कला अकादमी का 65th फाउंडेशन डे है, तो यहाँ 11 आर्टिस्ट को, लेडी आर्टिस्ट को बुलाया है, उसमें से मैं एक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इस तरह का आर्टिस्ट के लिए वर्कशॉप रखा, वो भी लेडीज के लिए, तो हम बहुत खुश हैं। और यहाँ का माहौल, यहाँ का जो कुछ भी अरेंजमेंट है हमारे लिए, जो कुछ भी किया है, वो बहुत ही अच्छा है। पेंटिंग जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है उसके ऊपर है, और स्पिरिचुअल पर्सन हर कोई भी आम आदमी अगर अपने को जगाए तो वो अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन हो जाता है। तो ये मैंने वो कॉमन आदमी निकाला है अपने पेंटिंग में, उसका फॉर्म मैंने लिया है और वो बड़ा हो जाता है, इसलिए फेस बड़ा निकाला है मैंने। और जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी फॉर्म है वो नेचर के है, जितना नेचर के नज़दीक रहते हैं उतना ही हम अपने सोल को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। वुमेन आर्टिस्ट के लिए ये कैंप मिला है, तो आगे कुछ करने के लिए सपोर्ट होने के लिए हमको कुछ मौका मिला है। तो हम लोग इतना सारे लोग हैं, सब अलग अलग जगह से आया, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका लाइफ में अलग अलग चल रहा है। हम खुद एक ही बैठ के काम करते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं मतलब हमारा ही काम नहीं चल रहा है, मतलब कुछ मौका नहीं मिल रहा है, सब लोगों का ऐसा है वैसा है सोचता है। अभी इधर आके सबके साथ काम कर रही हूँ तो सब लोग ऐसे ही, सबका अलग अलग प्रॉब्लम से सब लोग अच्छा काम कर रहा है। तो ये ललित कला का कैंप के वजह से मुझे थोड़ा और भी बूस्ट मिला। तो मेरा काम है, मैं इंसेक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ। इसमें मतलब कुछ भी चीज़ होता है, छोटा है बड़ा है बात नहीं है, सब में उसका इम्पोर्टेंस अलग ही होता है, तो उसके ऊपर ही मैं काम करती हूँ। नेचर में कुछ भी चीज़ है उसको भी, उसमें से भी मैं रिलेट करके हमारा आजू बाजू में कुछ होता है उसको कंपोज करके मैं काम बनाती हूँ। सबके काम के अपने अपने स्टाइल हैं, उन सब से हम वाकिफ होते हैं। मेरे काम जो है, मैंने रोमांसिंग विद द क्लाउड्स बनाया है, एक एनिमल फॉर्म है जो कुछ क्लाउड्स से देख के मज़ा ले रही है, और क्लाउड्स में अभी बारिश बनानी है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मुझे काफ़ी सारे लोगों की, काफ़ी मेरे से सब ज़्यादातर लोग सीनियर हैं, उनसे मुझे मिल के उनका काम देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। और इस टाइप के कैंप्स ललित क्लब को करने चाहिए, इससे वेमेंस को इनक्रेजमेंट मिलती है। और ये मैं पेपर पे काम कर रही हूँ, पेपर पे मैं प्रिंट मेकिंग का इम्प्रेशन लेके आई हूँ, उसके ऊपर वाटर कलर से कुछ कुछ अपने जो मेरा रीसेंट टॉपिक है मन की बात उसको लेके मैं काम कर रही हूँ। उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेके मैं ड्राइंग मतलब वाटर कलर से फिल करती हूँ, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टोरी वर्क है, ये एक पैनल का काम है जो 4 वर्क का पैनल है जो डिस्प्ले होगा। ये ललित कला एकेडमी ने वुमेन्स कैंप किया है यहाँ पे दिल्ली में 65th ये फाउंडेशन डे का, तो हमें लेडीज आर्टिस्ट को इनवाइट किया है, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग आल्सो कि वेन सब वुमेन लोग हैं यहाँ पे, एंड एटमॉस्फेयर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, सब लोग काम कर रहे हैं। ये मेरा काम है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, तो ये काम वैसे देखा जाए तो ये काम ये ऐसी है कि आप उसको किस तरह से भी, आपको जिस तरह से भी उसको इंटरप्रेट करना है तो आप कर सकते हो। ये काम में आपको जो देखना है आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कोई लिमिट ये नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि यही चीज़ ये बोल रहा है करके, आप उसमें कहीं भी मीनिंग, कितने भी मीनिंग निकाल सकते हो, और वही इसकी एक मज़ा है वो काम में। तो बस आप देखो और आप एंजॉय करो। मैं ललित कला को थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो काम किया है तो हम सारे लोग इसके आभारी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैं अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ये तनावग्रस्त ज़िंदगी से हट के एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ प्यार हो तो खुशी हो, वो मैं दिखाने की कोशिश की हूँ।
मेरा कैंप में अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वुमेन आर्टिस्ट से मुलाकात हुई. उनमें से एक जो नेशनल अवार्डी हर्सेल्फ है और काफी कुछ सीखने को मिलता है. सबके डिफरेंट टेक्निक्स हैं. आई वांट टू वेयर बटरफ्लाई थीम मैंने इसलिए चुना. मैंने खुद को रख के चुना है कि कभी ऐसा होता है कि हमें इस दुनिया से बाहर निकलने का मन करता है. तो मन जब कहता है तो मैं सोचती हूँ काश मेरे पास पंख होते, कि काश मैं तितली होती, यहाँ से वहाँ चले जाती, वहाँ से यहाँ चले जाती. आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ललित कला अकेडमी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस फाउंडेशन डे कैंप. माय पेंटिंग इज कॉल्ड इम्पेटस विच मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी. And I have always been fascinated by the human figure and the form and movement, rhythm it holds. And I'm really happy that I got to participate in this camp. It's a pretty good initiative, done by Lalit Kala. It's a well-organized camp, I should say. They're taking care of every little bit of it, I should say. Well-treated. This is one of my drawings which I've done during the camp. I have titled it as A Day with a Butterfly. It's a hybrid kind of a thing where I've made a combination of human and animal. They're relaxing. It has more of details and intense work with all the flora and fauna. Like with all the hardship, after all the hardship for a day long, they come back and everybody likes to relax. And butterfly, watching a butterfly would really be relaxing, I would say. Lalit Kala का ये बहुत अच्छा initiative है जो उन्होंने लिया है for women artists, क्योंकि हमेशा women artists हर जगह पीछे ही रह जाती हैं because of so many male artists. So thank you Lalit Kala. मैंने अपनी पेंटिंग में लव को दिखाने की कोशिश करी है. लव मीन्स देर इज नो जेंडर, नो कास्ट, नो अदर थिंग्स. मैंने इसमें लेस्बियन को रिप्रेजेंट करा है कि वो किस तरीके से लव तो कहीं आप बाउंड नहीं कर सकते कि कोई किस तरीके के शरीर में. सबसे पहले तो मैं ललित कला को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया. और एक औरतों के लिए जो काम करना काफी मुश्किल होता है और उनके लिए बाहर निकल पाना काफी मुश्किल होता है, अपने काम को एक्सप्लोर करना मुश्किल होता है, उस चीज को देखा जाए अगर तो औरतों के लिए एक स्पेशली कैंप ऑर्गेनाइज करना और उनके लिए कुछ बात कही जाना मेरे लिए बहुत महत्व रखता है. इसलिए मैं ललित कला के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ही हूँ. चूँकि एब्स्ट्रैक्ट एक किसी साइज या आकार में बंधा हुआ नहीं होता है और हम जब पूजा भी करते हैं तो वो भी एक निराकार ही होती है. तीन बिंदु जो दिखाए गए हैं ये भोलेनाथ शिव शंकर के प्रतीक है और जिसमें जो कि लेयर्स है वो लेयर्स मैंने इसलिए दिखाई गई है. मेरे कामों में काफ़ी सारे लेयर्स देखेंगे. लेयर्स जो कि हर एक इंसान की भावनाओं, इंसान एक अलग अलग परतों में बटा हुआ होता है. यहाँ ललित कला अकेडमी ने मुझे आमंत्रण दिया है. उन्होंने यहाँ 65 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदुस्तान से 12 महिलाओं को आमंत्रित किया है. तो इसके लिए हम ललित कला अकेडमी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें कॉल किया. और सच में यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा उन्होंने सुविधाएं हम लोग को दी हुई हैं. हम लोग बड़े अच्छे कंफर्टेबल माहौल में काम कर रहे हैं और अच्छे क्रिएशन हो रहे हैं. तो मैंने सुषमा स्वराज को बनाया और उनको तिरंगे में लपेट के वो जिस तरह से गई हैं उनके ऊपर सारे लोग अपने फूल अर्पित कर रहे थे. मैंने वही कुछ उसी थीम को लाके इसमें लाने की कोशिश की है और ये मेरी हम सब महिलाओं की तरफ से एक सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि है. मैंने अभी चेयरमैन ने मुझे एक महिला का कैंप का मुझे क्या बोलते उसको महिला कैंप करने का मौका दिया और मैं ये कैंप सक्सेसफुली करने की बहुत कोशिश की.
उत्सव को करने के लिए हमने एक प्रयास किया, लगभग 5 महीने का हमारा प्रयास रहा है। और जो लखनऊ में ही रहते हुए हमने पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारत के अनेक राज्यों से कलाकारों के, लगभग 300 कलाकारों के पोस्ट कार्ड को कलेक्ट किया। पोस्ट कार्ड और भारतीय सेना का जो संबंध रहा है, बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुराना संबंध रहा है। और जिससे हम जब उनको संपर्क करते हैं अपने सेना से, जिनके बदौलत हम इतने सुकून से, इतने आराम से रहते हैं अपने घरों में, तो हम उन्हीं की बदौलत, तो ये हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम उनको एक ट्रिब्यूट दें और उनके लिए भी हम कुछ करें। तो एक कलाकार होने के नाते, एक कला में लेखन के नाते, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। और हमारे साथ इस अभियान में हमारे एक मित्र थे धीरज यादव, वो भी हमारे इस अभियान में लगातार हमारे साथ में रहे। तो हम दोनों ही मिल करके इस पूरे अभियान को यहाँ तक पहुँचाया। तो हम लोगों ने इससे संबंधित बहुत लोगों से मिले, पोस्ट कार्ड की हिस्ट्री को भी जाना, और जो सेना के बहुत सारे लोग रहे जिनके परिवार से, उनसे भी मिला। तो हमारे लखनऊ में मनोज पांडे जो कारगिल शहीद रहे, उनके फादर से भी मिले, जिससे मनोज पांडे के लास्ट जो उनके आखिरी पत्र थे वो भी पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर के और चिट्ठी पढ़ना एक अलग अनुभव है। तो उस पत्र को पढ़ने के बाद एक अजीब सी एक फीलिंग हुई। तो ये हमारे इस प्रदर्शनी में बहुत एक अच्छी एक फीलिंग्स लाई कि हम अच्छा एक काम कर रहे हैं।